जन्मदिन पर पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। शिवपुरी शहर के स्टेडियम पर युवा नेता राहुल रामजी व्यास ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। जानकारी के अनुसार राहुल रामजी व्यास ने जन्मदिन पर पौधारोपण करके अपना जन्मदिवस मनाया। बता दें कि प्रत्येक वर्ष अपने आसपास में पेड़ पौधे लगाकर प्रदूषण को कम करने और स्वेच्छा से पौधारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि पौधारोपण के लिए सभी युवा अपने अपने स्तर पर पौधारोपण में आगे आए, तभी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाए, वह उसकी संभाल करे। आजकल स्वार्थी मानव पेड़ तो काटता गया लेकिन पेड़ लगाना भूल गया। इससे पर्यावरण में असंतुलन की समस्या आज बहुत उग्र हो गई है। इसी कर्तव्य को याद करवाने व युवा पीढ़ी को पौधारोपण के प्रति जागरूक करने के लिए जन्मदिन पर पौधारोपण की मुहिम हिस्सा लेते रहे। भैया आज आपका जन्मदिन भी और विश्व संरक्षण दिवस भी है, तो आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी को पर्यावरण और विश्व संरक्षण दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाने का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। अभी अभी हमने मध्य प्रदेश में एक दिन में 5 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए थे। और मेरे आदर्श, मेरे नेता केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की प्रेरणा से आज मैंने अपने जन्मदिन पर ये वृक्षारोपण का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। और मैं मुझे लगता है कि वृक्ष लगाने से ज़्यादा वृक्षों को सहेजना ज़्यादा ज़रूरी है। तो संख्या पे ध्यान ना देते हुए मुझे लगता है कि लोगों को जो भी वो वृक्ष लगा रहे हैं, 1, 10, 1000, 10,000, उनको सहेजना, उनकी सही देखभाल करना, उन्हें सही समय पर जो खाद और जो भी बचाने की ज़रूरत है मवेशियों से या बाकी चीज़ों की खाद की, और तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैंने शुरुआत की है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस जन्मदिन से लेकर अगले जन्मदिन तक ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हम करें। और मैं सभी को आज संरक्षण दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और सबको बहुत सबसे आग्रह करूँगा कि हमारा पर्यावरण, शिवपुरी आज भी बहुत हरा भरा है, हालांकि जो मैंने बचपन में देखा था उससे अभी आजकल हम पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है पेड़ों को बचाने की बहुत आवश्यकता है, पेड़ हमारे जीवनदायी हैं, हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इसको एक मुहिम की तरह चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को सहेजें और हमारे शहर, हमारे प्रदेश और हमारे देश को सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकूल बनाएं।